मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? और आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कुमारी राखी हटवार में स्वागत है। बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं? सुबह का 8 बज गया है और हम अपना खाना पीना में आ गए हैं। देख लीजिए, पूरा चूल्हा जल गया है, घुगनी घुगनी हो गया है और नल नहीं खुला, घुगनी बन गया है। ये आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ पे नाश्ता और खाना दोनों हो जाता है टाइम पे ही। चना का घुगनी बनाए हैं और आटा आटा का रोटी नहीं, चावल का रोटी बनाएंगे। इसीलिए बोले कि आप लोगों को थोड़ा सा दिखाते हैं कि हम चावल का कैसे बनाते हैं। देखिए, ये चावल का आटा है जिसको हम लोग चरोठा भी बोलते हैं और ये मशीन का है, बहुत महीन है। इसमें थोड़ा सा नमक दे दें, अच्छा लगता खाने में क्या? बिल्कुल। एक डिक्सी था, इसको नहीं बना देते, बनाने लगे तो अच्छा लगने लगा था बस। यह है चावल का, इसमें हल्का हल्का तेल दिए हैं, रिफाइंड तेल। और आप लोग भी बना के देखिएगा, कुछ नहीं चाहिए इसमें, नमक थोड़ा सा, बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही। इसमें कपड़ा देके ढक दे रहे क्योंकि ठंडा नहीं होगा। पानी खुल रहा, बंद हो रहा, इसलिए हम लोग का काम अभी रुका हुआ है। नहीं तो अभी तक घर उर हम लोग धो लेते सभी को, इधर उधर हो। कुछ भी रखा हुआ है, कट कर दो। वो बना रहे हैं मसाला, देखिए चावल पूंज रहे। सॉरी, इसका रेसिपी नहीं दे पाए क्योंकि मम्मी पापा अंदर में है और वो लोग को पसंद नहीं है मेरा ब्लॉग बनाना, वीडियो बनाना, इसीलिए देरी बोल रही हैं। और देखिए पुलाव का चावल मेरा, थोड़ा सा इसमें घी दिए और रिफाइंड दिए हैं। ये हो गया प्याज, सब्जी देखिए मेरा रेडी है, उपमा है। गैस गैस को नीचे किया, ठीक है ठीक है ठीक है, गिल्ला हो जाए दे। बोलने दे। ठीक है, तो सब नमक दे देते हैं। देखिए पानी डाल दिए हैं, नमक भी थोड़ा सा डाल दिए हैं और अब इसको ढक देंगे, उसके बाद पुलाव मेरा रेडी हो जाएगा। इतना धूप में लड्डू, बाप रे बाप, भगवान सबको ऐसा बेटा दे। बाद में धो लेते हैं, सबको ऐसा भाभी भी दे, धूप में काम करती है। देखिए दोस्तों, हम लोग का पुलाव बन चुका है ना।
इसमें प्याज तो डाल दे रहे हैं। आहा, क्या खुशबू आ रहा है ना। यहाँ प्लेट का मेरे प्याज था सब डाल दिए। तो जब हम लोग खा के जब हम लोग अपने घर जाएंगे, यानी अब हम लोग करूँ, तब तक हम लोग बताएंगे कैसा टेस्ट था, है ना। देखिए अब इसको थोड़ा देर ढक दे रहे हैं। मेरी मम्मी का मुँह खराब देख लीजिए, मुँह देख लीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्लिप में। देखिए मम्मी पूरा तूफान कर मम्मी कपड़े उठा रही है, इतना अलर्ट पानी है। ऊपर दिखाओ, आम भी ऊपर देखो। अरे गधा, तूफान आई है, तूफान। जल्दी 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 मम्मी, अरे ये रानी तूफान घर के पीछे। दादू बोलो, देखो दादू क्या कर रहे। दादू भी कपड़े उठा रहे। बाप रे बाप, देखिए कितना अंधेरा है ना, काला काला। इधर 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 भी अंदर। देखिए कितना बादल, देखिए देखा बिजली। आपको लग रहा होगा कि कम अंधेरा है, पर यहाँ कैमरा में दिख रहा है, पर सही में बहुत अंधेरा है। तो हम लोग तो अंदर जा रहे हैं, हम लोग तो देखो डर लग रहा है। देखिए कितना बादल है, देखिए ये देखिए डस्ट है, बादल है। कैसे हिल रहा पेड़ सब लोग। मम्मी बरसात में ही घर का पता नहीं मेरा क्या होगा। क्या होगा, ये हम लोग का प्राइवेट घर है, क्या होगा ये घर का। चलिए आम चुनने जाएंगे, दिखाते हैं आप लोग। गिरा आते बेटा, लेकिन बहुत मीठा है बाबा। छोटा सा है लेकिन बहुत मीठा है बाप। देखिए गिरा आम। हाँ ये किए, देखिए दुनिया का सबसे छोटा आम। हाँ रख दिए प्लास्टिक, दुनिया का सबसे छोटा आम। हाँ देखो देखो देखो, अब बहुत मीठा है ना। चल अंधेरा हो गया, लग रहा रात हो गया, रात रात हो गया, रात रात रात। हम लोग बैग कैमरा करके भी दिखा रहे हैं। हाँ देखिए मेरा घर का स्थिति देखिए, कितना गरीब है, कितनी गरीब है। बेटा मैं गरीब हूँ। देखिए हवा, ये हवा देखिए। हाँ किसका दरवाजा गिरा बेटा, हम लोग कहीं गिरा। इस पेड़ को भी देखिए, इस पेड़ को भी, इसका कोई स्थिति नहीं है, कब टूट के गिर जाएगा। इतना बस बारिश हो रही है, देखिए। दिस इज अ गॉड ऑफ रेन। क्या है, गॉड ऑफ रेन मतलब बारिश का देवता। देखिए जरा ऊपर ऊपर हम लोग नहीं दिखा सकते। आज तो मौसम ठंडा रही है, हम लोग तो जमने वाले, क्योंकि हम लोग कूलर में सोने वाले हैं। घर का पीछे कैसे पेड़ गिर गया है बरसात में। देखिए कितना मोटा पेड़ है, गिर गया। आया थरवा खिड़की बंद हो गई, ये देखिए अब लोग खड़े हैं, तो अभी मशीन आया है उखाड़ पेड़ को ले जाने के लिए। देखिए इतना बड़ा पेड़ तो खड़ी है, और देखिए इधर देखिए वहाँ पे जड़ से उखड़ी है, वहाँ पे पेड़ था तो जड़ से ऊपर उखड़ के धीरे 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 यहाँ पे आकर कट गया।
के लिए आया है टाटा कंपनी का। तो देखिए कितना बड़ा हादसा हो गया, यहाँ पर जड़ से उखड़ रही है। हम पहुँच गए हैं हम लोग का एरिया में, पेड़ उखड़ा था वो दिख के हम लोग आ रहे हैं, रास्ते में है ये पहुँचने ही वाले, पास में है। हम लोग का काची बन रहा है भिंडी का सब्जी, मम्मी का मुखड़ा दिख रहा है क्योंकि लाइन कट गए, इतना तूफान आया इतना तूफान कि लाइन भी कट गया। हाँ कसके डर के ऑटोमेटिक बोल रही थी। आज का रेसिपी है भिंडी का सब्जी रोटी और बाबू के लिए भुजिया, भिंडी का ना। हाँ सब कुछ भिंडी का, आज भिंडी ना भिंडी तो फिर किसी दिन बताएंगे आगरा में। हाँ बताए बाय तभी तक। प्लीज सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट फ्रेंड्स।